हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में पहले भी रिसर्च किया हूँ और अभी तक जो लोग बाई नहीं कर पा रहे हो, अभी तक जो लोग बहुत लोग मेरे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस स्टॉक में लॉस हो रहा है, उस स्टॉक में लॉस हो रहा है, तो आप उल्टा पुल्टा टाइम पर उल्टा पुल्टा वीडियो ना देख के आप बाई कर रहे हो। तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको अगर ज़्यादा लॉस है तो आप सेल करो और आपको बाई कर लो। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आपका पूरा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है आज। ये फ्लैग पैटर्न आज ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा खासा आपका यहाँ से कल से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट जंप जो मैंने टारगेट दिया था 970, तो 970 टारगेट एक ही दिन में आपका हो सकता है कि आपका कवर हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, आज भी बाई कर सकते हो, अभी भी टाइम है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लो। 970 का टारगेट मैंने सितंबर लास्ट तक दिया है, लेकिन मैं 10 सितंबर तक कर देता हूँ। इतना ज़्यादा बुलिशनेस है कि 10 सितंबर को आपको इसके अंदर ही आपको हो सकता है कि कल ही आ जाए 970 का टारगेट। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। और स्टॉक जो है पूरा रेडी है आपका ऊपर चढ़ने के लिए। तो और सपोर्ट का बात करें तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा आपका सपोर्ट जो है 780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और स्टॉक में देख सकते हो कि अच्छा खासा 780 के आसपास से स्टॉक सपोर्ट बार बार लिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और 970 आपका 10 सितंबर तक टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से जितना जल्दी हो सके बात कर लीजिए इस स्टॉक के बारे में और एनालिसिस कर लीजिए। 970 का टारगेट मुझे लगता है कि कल ही आ सकता है, क्योंकि आज फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो 900 प्लस का टारगेट कल आपको देखने को मिल सकता है। तो इंटरडे के लिए भी कल एक बहुत बढ़िया स्कोप और फोरकास्टिंग हो रहा है, और साथ ही साथ अब कल शॉर्ट टर्म के लिए तो एक बहुत बड़ा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट आपके सामने आ रहा है। 10 सितंबर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपका कंसोलिडेशन का टाइम, जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसा कभी कभी होता है कि इंटरनेशनल से कुछ मार्केट से कुछ न्यूज़ आ जाता है, उसके दौरान आपका पूरा मार्केट थोड़ा बहुत आपका हिल जाता है, तो उसके वजह से आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। जो हम सोचते हैं उस टाइप का सब कुछ नहीं हो पाता है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कल ऐसा सिचुएशन रहा तो कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा और 900 प्लस का टारगेट कल दिखा सकता है। और साथ ही साथ 10 सितंबर तक आपको 970 का टारगेट इजीली अचीव होते हुए इस काउंटर में आपको नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो रहा टारगेट एंड सपोर्ट का, क्या क्या ऑर्डर मिला है। 3 ऑर्डर मिला है, तो 3 ऑर्डर के पहले मैं बता देते हैं। तो 15 शिप बिल्डिंग करके देने वाला है, किसको देने वाला है, इंडियन नेवी को देने वाला है। दूसरा मिला है आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, इनको ऑर्डर ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर है। और साथ ही साथ तीसरा ऑर्डर मिला है आपका रिपेयर और रीडेवलपमेंट करके देने के लिए, और सबमरीन का भी कामकाज करने के लिए। तो ये तीनों बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर है और बहुत करोड़ों का ऑर्डर है। ऑर्डर वैल्यूएशन आपका देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है, 46,000 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से एक अच्छा खासा तेज़ी स्टॉक में फिर से आपको देखने को मिलेगा। और आप जितना लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को आप होल्ड करके रखोगे, उतना लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न आपको देता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।